नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हरदोई में एक टीचर की कौन सी करतूत आई सामने, ये खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून आईएमए में आज पासिंग आउट सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बुलेटिन में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से। तीन मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई है। अमीनाबाद के रिहायशी इलाके में यह आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 3 फ्लोर बिल्डिंग थी, और आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से काला धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है। फायर फाइटर्स लगातार इस आग को बुझा रहे हैं, और ताजा अपडेट के मुताबिक इस आग को बुझा लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझा दिया है। अमीनाबाद के रेजिडेंशियल इलाके में ये आग लगी एक 3 मंजिला बिल्डिंग में, और टॉप फ्लोर पर किस तरह ये आग लगी हुई नजर आ रही है, धुआं उठ रहा है। फौरन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये आग भड़की हुई थी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी की बौछारें लगातार की गई, और किस तरीके से टॉप फ्लोर पर अंदर ये आग लगी हुई नजर आ रही है। अमीनाबाद इलाके में ये आग लगी एक रिहायशी इलाके की 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। हरदोई में एक टीचर का शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर आरोप है कि वो नशा करके स्कूल आते हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। मैं उतना खुद दिमाग है यार, माइंड, मैं मंडी से 1000-1500 कमा लाता हूँ सुबह सुबह। मंडी में जाओ, पहुंच जा, बकरिया बन जा, देखो बकरी ऐसी और दे दिए झट एक डाला जहा लुड़को 1500 सीधे कि ना हुआ सीधे 1500 चाहिए हमें। कहने को तो ये एक शिक्षक हैं जिनके कंधों पर बच्चों के भविष्य को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो ये वीडियो उसकी झलक पेश करता है। बकरिया बन जा, देखो बकरी ऐसी और दे दिए झट एक डाला जहा लुड़को 1500 सीधे कि ना हुआ सीधे। मामला हरदोई का है, और नशे में दिख रहे शिक्षक का नाम प्रशुभ कुमार सिंह बताया जा रहा है, जो शिक्षा महकमे को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वीडियो में उनकी बातों से जो लग रहा है वो शिक्षा को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अपनी शेखी बघार कर अपना बिजनेस मॉडल बता रहे हैं। मैं उतना खुद दिमाग है यार, माइंड, मैं मंडी से 1000-1500 कमा लाता हूँ सुबह सुबह। मंडी में जाओ, पहुंच जा, बकरिया बन जा, देखो बकरी ऐसी और दे दिए झट एक डाला जहा लुड़को 1500 सीधे कि ना हुआ सीधे 1500 चाहिए हमें। प्रशुभ कुमार हरदोई जिले के प्राथमिक विद्यालय तरी के इंचार्ज हैं, लेकिन उन पर आरोप है कि वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये भी आरोप है कि वो अक्सर शराब के नशे में टल्ली होकर स्कूल आते हैं और स्कूल में बहसबाजी और झगड़ा करते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में वो इस तरह एंट्री लेते हैं, उन्हें किसी भी बात का होश ही नहीं रहता। शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने से बच्चे ही नहीं, गाँव के लोग भी बेहद परेशान है। बच्चों की पढ़ाई में तो बाधा आ ही रही है, वहीं स्कूल में माहौल बेहद ही खराब हो गया है। खाना आना बनता है नहीं? नहीं। गुरुजी आते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं आते? दारू पी गुरुजी पढ़ाते नहीं है, रोज दारू पी के आते हैं, और दीदी पढ़ाती हैं, दीदी बच्चा मार नहीं पाती हैं, और गुरुजी आते नहीं। मास्टर आते नहीं है, जब तब आते हैं पढ़ाते क्या है यहाँ? अच्छा, हमें खुदाई नहीं मिल रहा, 3 दिन से हमारी जरूरत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक की ग्रामीणों के साथ बहसबाजी भी हो रही है। स्थानीय लोगों ने नशे में शिक्षक के साथ बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में BSA ने शिक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि
तड़ियावां ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय थरी में जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं वो शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे हैं। उनके कुछ वार्तालाप के वीडियो हमने अभी देखे हैं, इसकी जांच कराकर मैं कार्रवाई करता हूं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा कई दिनों से चल रहा है, लेकिन स्कूल में शिक्षक महोदय की करतूत इस बार सबके सामने आ गई। स्कूल में बहसबाजी के बाद शिक्षक अपने साथी के साथ स्कूल से भाग खड़े हुए। हरदोई से न्यूज 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA में आज पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई। इसी के साथ 343 कैडेट सेना में अफसर बन गए। इसी के साथ 343 जाबाज भारतीय सेना में अफसर बन गए। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का समारोह हुआ। अफसर बनने की खुशी क्या होती है वो इनके चेहरे पर साफ चमक रही थी। देश सेवा का जज्बा दिल में लिए सभी जब ये पासिंग आउट परेड सेरेमनी में शामिल हुए तो इनका जोश देखने लायक था। सभी कैडेट्स के अभिभावक भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए भारतीय सैन्य एकेडमी में मौजूद रहे। सभी के लिए गर्व से भर देने वाला पल रहा। 343 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए। इनके अलावा मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका के CDS जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली। परेड के दौरान देश के भावी अफसरों ने कदम से कदम मिलाए तो उनके देश के लिए जुनून और समर्पण का भाव भी झलक गया। मुझे लगता है कि अभी तक का जो सबसे खुशहाल जो मेरा दिन होगा वो आज का ही है, और जितनी भी मेहनत जो भी मेरे माता पिता ने मेरे लिए की है मुझे लगता है कि उसके सामने तो मेरी मेहनत कुछ नहीं थी, पर फिर भी जितनी सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी, गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी, इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता चल पाएगा। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में अपने निजी विचार देने से बचना चाहिए। मामला यौन इच्छाओं को लेकर है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने ये बात कही है। इसी साल अक्टूबर में महिलाओं को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को किसी भी मामले में फैसला देते हुए हमेशा अपने पर्सनल ओपिनियन और उपदेश देने से बचना चाहिए। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट का इस बयान को आपत्तिजनक भी बताया। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बेहद गैर जरूरी भी है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इस तरह का बयान आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, जो मूल अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 21 इंसान को जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये भी कहा कि आज के दिनों में ये देखा गया है कि कई ऐसी अदालतें हैं जो फैसला सुनाते हुए अपने निजी विचार
पेश कर देते हैं जो फिलहाल नहीं करने चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट माधवी दीवान को एमिकस क्यूरी बनाया है और राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या वो इस फैसले पर अपील करना चाहती है। सरकार से निर्देश लेकर वकील इसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। लेकिन जिस तरह टिप्पणी हाई कोर्ट के द्वारा की गई, उस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज दिखा और इसीलिए हाई कोर्ट को नसीहत दी कि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियां अदालतें ना करें। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाबालिग किसान यौन उत्पीड़न के मामले में एक फैसला सुनाया था। इसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि लड़कियों को यौन इच्छा को काबू में रखना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आरोपी लड़के के ऊपर से पॉक्सो हटाकर उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि नाबालिग लड़की ने कोर्ट से कहा कि रिलेशन बनाने में उसकी इच्छा भी शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं।